नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों पर, इस समय अयोध्या का नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आज हम आपको जनपद आगरा में ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पर विकास की खास ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और बीजेपी सरकार जो भी है, अपने आप को नंबर वन बनाना चाह रही है विश्व के अंदर। नंबर वन बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज हम उस पर भी आपको बताने जाएंगे। अब जिस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका नंबर वन पे है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो केवल 2 साल उनका कार्यकाल होता है और उनको अपनी पार्टी का किसी ना किसी अगले नेता को वहाँ पर उस राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रेरित किया जाता है। और आज हम इस जगह पे इसलिए उपस्थित हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे चैनलों पे अयोध्या के बारे में दिखाया जा रहा है, जिसे जहाँ पर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस समय सैपई पे खर्चा किया जाता था उत्तर प्रदेश का, उसी तरह से आज बीजेपी की सरकार है जहाँ पर अयोध्या पर ही खर्चा किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ज़रूरत है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक नाला है बहुत बड़ा और यहाँ पर लगभग 4 इंजन चल रहे हैं बीजेपी की सरकार के, और यहाँ पर कई घटनाएं हो जाती हैं, बरसातें होती हैं, पानी भर जाता है और कई बच्चे इसमें एक्सपायर भी हो चुके हैं। और जिस प्रकार से जो विकास की खास ज़रूरत है, ऐसी जगहों की ज़रूरत है, ना कि मंदिरों के आसपास या वैसे। हाँ, करो, मंदिरों के पास भी करो विकास, लेकिन जहाँ खास ज़रूरत है, जहाँ जान जान और माल का खतरा रहता है, ऐसी जगह पर भी आना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से चीन, जापान, अमेरिका, रूस, जहाँ विकसित देश हैं, वहाँ पर ये जो नाले होते हैं, नाले पूरी तरह से ढके होते हैं, ना किसी प्रकार का पानी निकलता है, ना किसी प्रकार का गंदगी फैलती है। और आप देख रहे हैं ये आगरा जनपद में कम से कम 4 इंजन चल रहे हैं, जो एक पीएम मोदी जी का सांसद भी उनका है, मेयर भी उनका है, और यहाँ विधायक भी उनके ही हैं और पार्षद भी वो यहीं पर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब बरसातें होती हैं, और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से उनका गुणगान किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर बीजेपी के सभी योगी जी और मोदी जी भी वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ पर जानकारियाँ ले रहे हैं, ऐसी जगह पर क्यों नहीं आते हैं? तो यहाँ पर कुछ समाजसेवी और जनता भी है, तो उनसे भी सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो कितने सालों से ये नाला खुला हुआ है? ये तो नाला काफ़ी समय से है, जब से शासन कई भी पार्टियों के रहे, कांग्रेस शासन में भी ये नाला इस तरीके का था, आज जो बीजेपी शासन है आज भी ये नाला इसी तरीके का पड़ा हुआ है। और आज इसमें आज से 2 साल पहले यहाँ पे 5 साल का बच्चा भी मौत हो गई बच्चे की गुड़िया के अंदर। 2 साल यहाँ के क्षेत्र जितने भी आबादी है यहाँ पर, सारे लोग इस नाले की गंदगी से और यहाँ की यारी बीमारियों से बड़ा जूझना पड़ता है। और जब बारिश होती है तो बारिश में तो इतनी स्थिति होती है कि एक आदमी अगर सिंगल रख के जाता है तो वो इसमें बह भी सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि एक अच्छा विकास हो। तो इस टाइम पर जो शासन चल रहा है हमारी योगी जी का, जो साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा खास करके ध्यान देते हैं दिया जाए, तो हम तो यही चाहते हैं कि लंगड़ी की चौकी का जो हमारा ये नाला है और एक अच्छा बनना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता को एक अच्छा लाभ मिलना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबाई को देखते हुए चुप रहते हैं, गरीबाई को देखते हुए चुप रहते हैं। हमारे गरीब लोग रहते हैं वाली बस्ती में, उनके भरने के बाद और सामान भेज जाते हैं बहुत सौ के कपड़े, वो क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं वो गरीब। मतलब जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, जो मोदी और योगी कर सकते हैं। वो कभी यहाँ पर भी तो आन कर देगा कि गरीबा को से क्या हो रहा है, या मौत जिंदगी भी हो जाती पानी भरने के बाद, ना नाला बना ना कुछ हुआ, बहुत कुछ खराबी है यहाँ पर। यहाँ पर भी तो आन के चेक किया जाए। कई वर्षों से यहाँ पे मेयर वगैरह तो बहुत समय हो गया, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, आज हम भी बड़े हो गए, हमारी औलाद भी बड़ी हो गई, हमारे बच्चे भी यही कहते हैं क्या ये कभी नाला बनेगा कि नहीं बनेगा पापा जी। यार
जाटो भाई हैं जिन लोगों ने इतना कर रखा है, सही बचत होती रहती बाल बच्चों की, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। नेता लोग आते हैं वोटों की समय पे आते हैं, लेकिन वो कभी नहीं देखते हैं जो अयोध्या में कर रहे हैं इस काम को। इस गरीबों की तरफ भी तो देखना चाहिए, इनकी बच्चे बच्चे सब बह जाते हैं दब जाते हैं। ने कहा बिल्डोर वगैरह भेज दिया, मिला तो मिला, नहीं तो कोई रफा केवल ऐसा कुछ दिया ही नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फेंक देते हैं और बस सफाई करा देते हैं, वो भी नगर निगम पर जोर डाल देते हैं बस। तो वही बेल करती है लेबर बेचारी नगर निगम, और कुछ नहीं है। जो आपका जो नाला ऐसे खुला हुआ है इसमें बच्चों की भी एक्सपायर हो चुकी है, बनना चाहिए नाला, और बनेगा कैसे, कौन बन रहा है वो लोग। कम से कम जब से अधिकतर मेयर यहाँ पे बीजेपी का ही रहा है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना मेयर के बारे में सुनवाई नहीं करते हैं, फिर सुनवाई यही कहेंगे, सुनवाई नहीं होती है कि बस ये जो बता रहे हैं जो लोग कचरा निकाल के रख देते और ले जाते हैं, बस यही है बस बस, और ऐसा ही खुला का खुला रहता है, नहीं रहता है, रास्ता भी बंद हो जाता है कुछ यहाँ पर। तो दर्शकों, जिस प्रकार से जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है, जापान है, थाईलैंड है, वहाँ पर आपको ऐसे नाले आपको खुले हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारे विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, आज यहाँ पर नाले खुले रहते हैं और लगभग 20 वर्षों से और अधिक से मेयर बीजेपी का ही है और यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। और भी आप लोगों से रूबरू कराते हैं यहाँ की जनता से। तो दर्शकों, देख सकते हो कितना बड़ा नाला है, यहाँ पर एक तरह से नदी का रूप ले चुके हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार से जो बीजेपी की सरकार कहती है हम विश्व रूप हो गए और जन क्या क्या हो गए, और यहाँ देखिए यहाँ पे पब्लिक भी रहती है, देखो 24 घंटे बजे लगा रखी है यहाँ जाने का रास्ता है ये। यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा नाला है, यहाँ आसपास के लोग भी रहते हैं, उनसे भी आपको रूबरू करते हैं। गरीब लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, सब मजदूर वर्कर का ये पूरा सेक्टर है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज भाई 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 भी समझता था, बताओ यार। ये जो यहाँ के निवासी हैं कुछ उनसे भी वार्तालाप करते हैं। सर, क्या आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कैसा अच्छा लगता है यहाँ पे रहना? अच्छा लगता है कि जीना बेकार है यहाँ पे, नाले में पड़े हुए हैं भाई, कीड़े की तरह कीड़े मकोड़े हैं समझ लो हम तो। यहाँ सारी पानी की समस्या, लैट्रिन की समस्या, हर चीज़ की समस्या, नाला खुला पड़ा है पूरा, तो ज़िंदगी बर्बाद है, यहाँ बच्चे मर मर गए कई नाले में इसमें। अच्छा, यहाँ के जो मेयर वगैरह पार्षद किस पार्टी के हैं? कुछ नहीं करते सर। मेयर कौन है हमारे यहाँ? कोई नहीं है, नहीं है। भी नहीं खड़ी हुई है, हेमलता देव मेयर कौन रहा है? वो अपनी जगह भी के मेयर है, मेयर फेयर नेता वेता कोई कुछ नहीं सुनता है यहाँ पे भाई। उनसे बोला नहीं कि ये नाला जो है ढकवाया जाए? बोला तो बहुत है, बहुत फोटो खींची है यहाँ के, फोटो वगैरह खींच ली, बहुत गाड़ियाँ आई हैं, बहुत अफसर आए हैं, और कुछ नहीं हुआ इसका, तसल्ली आप ही रहते हैं जी। तो कैसा लगता है इस नाले के किनारे रहना? ये समझ लो नरक में रह रहे हैं हम, मरने के बाद आदमी को नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है, यहाँ पे जिंदे पे नरक में रह रहे हैं। और मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, योगी सरकार को? यही कहना चाहेंगे जी, जी बोलो। अपने मेयर जो बने हुए हैं वो और विधायक हैं कंडेलवाल जी, जी वोट लेने के टाइम पे आए यहाँ पर, वोट लेने के बाद में इस बस्ती की तरफ देखते नहीं हैं, और जब बरसात होती है तो घरों में पानी भर जाता है जी, एक एक हफ्ते समझ लो कीचड़ घर में भरी रहती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। ड्यूटियों पे नहीं जा पाते हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा पाते हैं, साग सब्जी के लिए, फिर उसके बाद में गंदगी फैलती है, मलेरिया हो जाता है बच्चे, एक बच्चा ख़त्म भी होगा यहाँ पर जी, मलेरिया वही गंदगी की वजह से, और एक बच्चे नाले में गिर के 2 साल पहले अभी ख़त्म हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पर, और नाले की तो बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इस जनता के द्वारा इनकी आवाज़ हम आपको बुलंद करना चाहेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के मंत्री हैं और पार्षद हैं या मेयर हैं, उनको हम इनकी समस्याओं को अवगत कराते हैं कि आप 2024 से पहले इस नाले को ढकवाएं, जिससे कि जिस प्रकार से जो चीन, जापान, रूस, अमेरिका, थाईलैंड या अन्य जो विकसित देश हैं वहाँ पर आपको ऐसे नाले खुले नहीं मिलेंगे, जिस प्रकार से आज अयोध्या को सैपे की तरह खर्चा किया जा रहा है,
अयोध्या में आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पर, अयोध्या ही अयोध्या दिखाई दे रही है। लेकिन अयोध्या के समाज में इन भक्तों को भी तो ध्यान में रखें जी, ऐसी सरकार। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। तो जिस प्रकार से यहाँ नाले के किनारे आप रह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अरे मेरी बदबू आ दी है, नाला वन है, पूरी पूरी पट्टी टूटी हुई पड़ी हुई है ना पे। और मतलब बरसातों में क्या पानी भर जाता है ना पे? पानी भर जाता, मतलब इंजॉय करते हो गए यहाँ पे, दुखी रहते हो? दुखी रहते हैं हम तो ना पे। और अपनी सरकार से भी कुछ कहना चाहोगे कि इस? अब हम तो सरकार के चाहते हैं नाले भी बाउंड्री हो जाए, नाला नहीं बने तो बाउंड्री तो हो जाए और उसकी ढक भी जाए। हाँ नहीं ढाले नहीं तो बने, बाउंड्री हो जाए। बहुत जिम्मेदारी होती है सरकार की ढकने की। आपके आपको आपकी जानकारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की है। अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, नालों में पानी पानी दे तो क्या होना होगा ये तो। और कुछ भी हो गई है ना, बच्चे नहीं मल रहे हैं, बच्चे नहीं मल रहे हैं, जली बात को नहीं है, नाले में बह रहे थे छोटे छोटे बच्चे नहीं मर रहे हैं। पानी फानी भरा हुआ बरसातों में, नहीं तो बच्चे, तो मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही है ना पे, तो बाल भी समाज के दाम है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही है। यहाँ के पार्षद और विधायक विराज जी और हमारे धन्यवाद जी दादा जी हैं, बोरी तो ही ध्यान नहीं कर रहे हैं, सब फोटो के लिए स्पॉट हो जाते हैं। अच्छा कई सालों से ये खुला पड़ा हुआ है नाला? अरे हमारे जो बचपन हुआ है, हम तो रोज ही देख रहे हैं यहाँ पे। वैसे हकीकत में देखा जाए तो ऐसी जगह पे विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होने चाहिए। रोड पर पुल बनवा रहे हैं ना, फालतू पुल बनवा रहे हैं ये तो, ये नहीं अपने नाले हनारे जे आवाज दिखे बच्चे जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे है नहीं, ये तो सही हाल हो रहा है ना पे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कई घटना भी, बहुत बुरा हाल हो रहा है ना पे तो। बोलते रहो बोलते रहो, बहुत बुरा हाल हो रहा है ना पे तो। जैसे पानी पानी नहीं दे रहे यार, ना नहा रोते, परेशानी होती जा रहा, परेशानी है ना पे तो। बच्चे भी है मतलब, बच्चे नहीं चले जाते ना पे, छोटे छोटे बच्चे सब। तो आदमी लेखन दे सही नहीं है ना पे, ले तो या तो मोटर साइकिल लाया तो आधी बीमारी होए तो ही बड़े बूढ़े ले जाए तो इतनी जल्दी नहीं ले जा पा रहा। तो माता जी आप यही रहती हो? नहीं रहते हैं, और बच्चों की भी परेशानी है, बड़ों की परेशानी है, देखो पूरा समाज से लेकर निकलने की ना से तो अभी जगह है निकलने की, हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी जगह नहीं है निकलने की, दो पैर रखने की जगह नहीं है, क्या करें, परेशानी है बहुत। कितने सालों से रह रही हैं? हम तो बहुत साल से रह गए ना, लेकिन 50 साल हो गई होंगे हमारे सास ससुरों को रहते रहते। बच्चे बच्चे जैसे आपको डर भी रहता है? हाँ डर भी रहता है गिरने का, और हमारा नाती गिर भी गया। अच्छा अच्छा। बीमार भी हो गया बहुत, बीमार मतलब हर साल हो जाते होंगे? हाँ एक आध बच्चा गिरता ही है उसमें। हाँ क्या करें, बहुत परेशानी है, शादी ब्याह करो तो परेशानी, सब बात की परेशानी है ना तो। और ना पे बस आते हैं ले जाते हैं, कुछ काम का होता नहीं। वोट तो देती होंगी आप? सब वोट देते हैं। किसको दिया इस बार? यही मोदी को ही दिया, और किसको देंगे। तो मोदी जी को आपका काम करना चाहिए ना, और क्या करना चाहिए। एक बार हमारे कैमरे पे बोल दो कि मोदी जी इस नाले को बनवाओ तो अगली बार वोट मिलेगा। अच्छा मोदी जी हम जब वोट देंगे आपके बार, जब हमारा नाला सब सुधर जाएगा। नहीं हम नहीं देंगे एक भी वोट, किसी का भी नहीं देंगे। ओके पर विजय के बोर्ड आप किसी को भी दें, हम तो बोल रहे हैं क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में, उनकी जिम्मेदारी है जहाँ तक हो वहाँ तक गरीबों की पहले सुनी जाए, मंदिर मस्जिद तो बनते रहेंगे, पहले इंसानों की सुरक्षा होगी। घूड़े पे रह रहे, घूड़े पे भाई। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ साल हो गई हमें ना रहते रहते। इधर आओ, भी आके नहीं आए थे हम। अच्छा अच्छा, तो इसी जगह पे रहने में कैसा लगता है आपको? दिक्कत होती बहुत, और क्या पानी भी बढ़ जाते हैं घरों में बरसातों में, बरसातों में बच्चे गिरा क्या हो, अब देख रहे हो नाले की हालत क्या हो रही है तुम बताओ। और एक आध बच्चा गिर भी गया इसमें जी, और कोई खैर खबर नहीं है कुछ भी। अब देखो रास्ता है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है ना, बताओ कौन से रास्ते से जहाँ निकल गए है, अब तुम आप ही बताओ। ठीक है ओके, तो ना खबर दो कहीं। हाँ, नाले की सुनवाई यार, इसीलिए तो हम आए हैं कि आप जैसे लोगों की हम समस्याएं उजागर कर सकें। कोई मर गया गिर गया तो क्या हाल होगा इस नाले का, दुनिया में बनता डोला, बस नाले की कोई सुनवाई भी नहीं। अब ये ज्यादा बाउंड्री हो जाए, अरे बाउंड्री हो जाए, फर्श लग जाए, वही बहुत है बता, उससे भी जाती बेहतर माँ हो रहा समय। हमारी तरफ चलो आप दुकान चलो। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर, तो दर्शकों हम इन माताजी के साथ में चल रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे भी किसी ना किसी घटना मट्टी कूड़ा डाल के जब शादी भी हमें पता है किसी ना किसी घटना घट सकती है बच्चों के साथ। क्या हाल हो रहा है तुम ही बताओ।
शादी ब्याह नहीं हो पा होती है ना पैसे समझ लो नहीं पाती शादी ब्याह दुनिया का कम वो पैसा लगाते हैं जब वो शादी ब्याह करते हैं मट्टी घूरा डलवाती है घरों में पानी भर जाता है हमारा। आप यहीं रहते हो? जी सर मैं यहीं रहता हूँ रंगलगी चौकी वाल्मीकि बस्ती में। तो यहाँ पे रहना कितना अच्छा लगता है आपको? सर ये समझ लो यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है बड़ी बदतर है जी। मैं कहूँगा कि इन लोगों की ज़िंदगी शायद ही कहीं पूरे आगरा में ऐसा नाला हुआ जो ये नाला है जी। सन 2003 में ये करंजा बना था जब माननीय जगन प्रसाद जी विधायक थे। उसके बाद ना कोई विधायक ना कोई सांसद ना कोई मेयर सब बन जाते हैं वोट मांगने। तमाम नेता यहाँ आते हैं सारी पार्टियों के नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं मेयर भी आते हैं विधायक आते हैं पर कोई भी इधर मलिन बस्ती का ध्यान नहीं देता और ना ही नगर निगम इस पर कोई कार्य कर रही है। जैसे कि हमारे आगरा में लगभग 4 डिब्बे हैं मान लो प्रधानमंत्री जी एक वो क्या नाम सॉरी इंजन जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार यहाँ पे 4 इंजन की सरकार है। पार्षद भी बीजेपी का है मेयर भी बीजेपी का और विधायक भी बीजेपी का सांसद भी बीजेपी के और सब कुछ बीजेपी का फिर भी ये हालत है। तो क्या कहना चाहूँगा? मैं कहूँगा कि बड़े ही शर्म की बात है कि पूरे आगरा महानगर में और पूरे आगरा में ज़िले में 9 विधायक 1 सांसद 1 मेयर ये सभी लोग हैं और एक DM भी है नगर आयुक्त भी हैं तमाम ऐसे अधिकारी भी हैं जो इन कार्य को करा सकते हैं पर इतने लोग होते सराते भी आज मलिन बस्ती में कोई सफाई ना कोई विकास आज तक नहीं है। यही बड़े शर्म की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि विकसित भारत नहीं ये तो बिल्कुल बदतर है नरक है। यहाँ के लोग आए दिन यहाँ लोग बच्चे गिरते हैं स्कूल जाते हैं बच्चे उठते हैं कितने लोगों की टांगें टूट गई हैं। अब इन लोगों को इन लोगों को कोई भी ध्यान नहीं है किसी का भी। विधायक जी आते हैं वोट मांग जाते हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी पर कभी इधर ध्यान नहीं देते हैं। लाइन भी लड़ लड़ के माने पार्षद जी से बड़ा निवेदन कर करके उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा तो उन्होंने लाइन डलवाई बेचारों ने। तो बड़े ही बदतर है रात होने के बाद तो इसमें कुछ दिखते ही नहीं है ना ही लाइट है। आप बोलना चाहोगे कि डायरेक्ट अगर मोदी जी हमारी वीडियो देखें तो इस समस्या को हल करवाएं? हाँ देखें मोदी जी तो ज़रूर हमारी समस्या को हल कराएं क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और उनका कर्तव्य हमारी सारी समस्याओं को हल कराना। तो दर्शकों आज की जो आज हमने जो दुर्दशा दिखाई है इस क्षेत्र की इसको देखते हुए आप लोगों को आज की न्यूज़ हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारा काम अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें जिससे कि हम अमीरों की नहीं हम गरीबों की समस्याएं उजागर कर सकें सरकार के समक्ष और उन समस्याओं का निवारण हो सके। तो इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी अन्य मुद्दे पर और जिस प्रकार से अयोध्या में जो सैपाई की तरह खर्च किया जा रहा पैसा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को अगर हमारी वीडियो दिखाई दे तो ऐसी जगह पर भी पैसा खर्च करें जहां पर इंसान रहते हैं। इसी के साथ हम बता लेते हैं नमस्कार। तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सकें और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं नमस्कार।